टॉपिक इज एग्रीकल्चर और फार्मिंग, क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 20 है, सब्जेक्ट इंग्लिश। फार्मिंग से मतलब समझ गए होंगे खेती बाड़ी, और एग्रीकल्चर भी यही सेम चीज है कि हम खेतों के अंदर खेती कैसे करते हैं, फार्म हाउस में कैसे जानवरों को रखा जाता है। तो आज का चैप्टर डिपेंडिंग इन एग्रीकल्चर और फार्मिंग। इन फार्मिंग वी यूज एनिमल्स फॉर सोइंग, ट्रैक्टर प्लगिंग एंड थ्रेसर फॉर सेपरेटिंग फूड ग्रेन्स। हम जब भी फार्मिंग करते हैं, यानी कि किसान लोग जब भी फार्मिंग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो सोइंग यानी बीज बोना है ना, सोइंग यानी बीज बोना। तो वो बीज किससे बोएंगे, या तो ट्रैक्टर के जरिए होते हैं या फिर प्लग, जैसे दो बैल होते हैं और उनके पापों के पीछे हल लगा दिया जाता है और वो खेतों को जोतते हैं, या तो ट्रैक्टर से खेतों की जुताई होती है, सोइंग करते हैं, जोतना कहते हैं उसको, और या फिर प्लगिंग की जाती है, ये बैलों के जरिए उनको जोता जाता है। और थ्रेसर, थ्रेसर किस काम आते हैं, थ्रेसर आर द सेपरेटिंग द फूड ग्रेन्स। थ्रेसर का यूज इसलिए दिया जाता है कि जब हमारी हार्वेस्टेड हो जाती है, पूरी फसलें पक जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। वो तो बाद में होती है ना सारी फसलें, जो भी गेहूं का धान देखो, बाजरा देखो, मक्का देखो, तो सिर्फ एक बंडल्स के रूप में होता है, उनको सेपरेट करना रहता है। गेहूं तो बालियों में होते हैं, वही थोड़ी हमारे घर में आ जाते हैं, साइड में घर भर के नहीं आते हैं, उनको क्या कर रहा है, थ्रेसिंग मशीन के द्वारा उनको सेपरेट किया जाता है। जब इनको सेपरेटिंग मोड पर लाया जाता है तो थ्रेसर मशीन के अंदर डालते हैं, तो जो थ्रेसर मशीन में से उनका जो फूड ग्रेन, जो हमें ग्रेन्स प्रोग्राम मिलना होता है, लाइक अ व्हीट मान लो, गेहूं मान लो, तो जो गेहूं है वो एक साइड में आ जाता है और जो उनका चाफ है, यानी कि जो उनका छिलका है, वो अदर साइड में गिर जाता है। दैट मीन्स वो थ्रेसर में जाकर थ्रेसिंग हो गए हैं। From cattle we get various kinds of products such as milk, curd, cheese, leather, egg and meat. अब farming में देखें तो farming for cattle से हमें जानवरों से हमें जानवर कई farming में भी काम आते हैं, agriculture में भी काम आते हैं। तो जो हम farming के अंदर animals को पालते हैं, like a goat, cow, buffalo, horses है ना, भैंस, तो इनका भी अलग ही काम होता है, जैसे कि काऊ, गॉट और इनके मिल्क को डेयरी फार्म्स में बेचा जाता है और इनसे जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, लाइक मिल्क, मिल्क तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, उसके मिल्क से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कर्ड है, बटर मिल्क है, चीज है, बटर है, ये सारी जो भी चीजें होती है वो हमें फार्मिंग प्रोडक्ट्स के जरिए यानी डेयरी प्रोडक्ट्स के जरिए मिलती है। फिर है इन फार्मिंग वेरियस टास्क आर परफॉर्म बाय द फार्मर्स। अब उनके लिए भी बहुत टास्क होते हैं, टास्क समझ गए, टास्क क्या होता है, उनको परफॉर्मेंस करने के लिए दिन रात एक करना रहता है, खेती जो कर रहा है किसान फार्मर, उनको दिन रात एक करना रहता है, लाइक अ शेल्टर इन अ फील्ड, फील्ड के अंदर शेल्टर घर भी बनाए जाते हैं क्वार्टर्स के अंदर, वहीं वो अपने एनिमल्स और अपना घर वहीं रखते हैं और फार्म के अंदर ही अपने खेतों में ही रहते हैं, और वहां पर ही बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हर मौसम में उनको खेती से रिलेटेड ही करना पड़ता है। तो उनके लिए बहुत बड़ा टास्क रहता है कि कैसे हम ज्यादा तेज सर्दी से अपनी फसलों को बचाए, कैसे हम बारिश से ज्यादा बारिश हो जाती है तो हम अपनी फसलों को बचाए, नहीं तो वो फसलें जो भी उन्होंने ग्रोइंग करा है क्रॉप से वो खराब हो जाती है, सड़ जाती है। ठीक है, इन एग्रीकल्चर द फार्मर्स यूज इन अ मैनी इम्प्लीमेंट्स। अब इम्प्लीमेंट्स यानी संसाधन, जो भी उपयोगी जो उनकी खेती में काम आते हैं इम्प्लीमेंट्स, उनके साधन वो उनको इम्प्लीमेंट्स बोला जाता है। तो इम्प्लीमेंट्स इन सोइंग, सोइंग यानी बीज बोने में, खेत जोतने में, और उनकी हार्वेस्टिंग तक, यानी फसलें पककर कट नहीं जाती तब तक वो बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स को यूज लेते हैं। कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स होते हैं, सोइंग के लिए ट्रैक्टर्स को यूज में लेते हैं, है ना, एग्स को यूज में लेते हैं, और थ्रेसिंग मशीन को यूज में लेते हैं, है ना, इन सब चीजों को वो यूज में लेते हैं। फिर है फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। और किस चीज की जरूरत होती है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट उनको फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स चाहिए होते हैं, जो कि नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए गुड नहीं होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो भी मार्केट से हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा जो भी हम परचेज करके लेकर आते हैं, उनको हमें अच्छे से नमक के सॉल्टी वाटर के अंदर वॉश करना चाहिए और उसके बाद ही हमें उसको यूज में लेना चाहिए, क्योंकि उनके बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स उनके लगे हुए रहते हैं, तो वो जब हम डायरेक्ट उनको यूज करते हैं तो वो हमारी बॉडी पे फायदा नहीं करते, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं, उससे हमारे
और सेम अगर खेतों में जो भी फार्मर इस फर्टिलाइजर को और पेस्टिसाइड्स को यूज कर रहा है वो भी विद प्रिकॉशंस के पूरी प्रिकॉशंस के साथ ही फील्ड में उतरता है और पूरा मुंह हाथ पैर सब कुछ कवर करके उन पेस्टिसाइड्स को फर्टिलाइजर्स को हार्वेस्ट कर वहां पर स्प्रिंग करता है वहां पर फसलों के ऊपर ताकि उसकी स्किन उसके हेडेक और जो नॉर्मल डिजीजेस होती है वो उसके ना हो। फिर है अब क्या क्या यूज में लेता है फार्मर फार्मर इज यूज इन मैन्योर यूरिया और डीएपी इन वाले फर्टिलाइजर्स को वो काम में लेता है। फिर क्या करता है मैन्योर को वो बनाता है घर में ही अपने द्वारा ही मैन्युफैक्चर कर लेता है मैन्योर को। यूरिया और डीएपी तो मार्केट से फैक्ट्रियों द्वारा बनकर आता है जिसमें भी एनिमल्स की स्किन वगैरह को काम में लिया जाता है। अब मैन्योर का क्या करते हैं वो लोग जहां पर भी मैन्योर देता है तो बड़ा एक बिग खड्डा खोदते हैं और उस पिट को खोदने के बाद में उसके अंदर वेस्टेज जितने भी पत्तियां हैं फल फ्रूट के छिलके हैं गोबर गाय का वेस्ट जो होता है पाउडर्स वगैरह उनको उसके अंदर कलेक्ट कर देते हैं। आफ्टर 15 डेज तक उनको उसके अंदर रखते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं वाटर। जब वो वाटर ऐड करने के बाद में उसको लकड़ी से हिलाया जाता है हिलाने के बाद उसको ढककर 15 दिन के लिए रख दिया जाता है। इस तरह से मैन्योर बन जाता है। ठीक है तो ये सब मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया है आपको पूरा चैप्टर एक बार और रीड कर देना इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेंड करूंगी। थैंक यू।